हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। आज के पाइथन के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन का मतलब क्या हो कि जो स्ट्रिंग वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं उस पर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है पाइथन हमें प्रोवाइड करते हैं। वो सारे फंक्शन हमें बस उस फंक्शन को यूज करना जानना है कि वो फंक्शन क्या काम करता है, ठीक है, उस फंक्शन का क्या आउटपुट होता है। बस हमें ये जानना है कि उसका आउटपुट क्या होता है, वो फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है, उसमें क्या कोड लिखे गए हैं, वो सब हमें नहीं जानना, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से पाइथन हमें बना कर देता है। अगर हम वो सब सारे चीज़ लॉजिक जाने एंड उसको हम डिफाइन करें फिर फ़ायदा नहीं होता कि इतने अच्छे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बहुत सारे फंक्शन हैं, सारे फंक्शन मैं इसी वीडियो में नहीं बताऊंगा, कुछ फंक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो दो या तीन वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। छोटा छोटा रहता है तो अच्छा रहता है, समझने में भी आसानी होती है। तो पहले सबसे पहले मैं तो एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग, एंड उसमें मैं लिखता हूँ माई नेम इज अलोकराज, ठीक है, माई नेम इज अलोकराज। अब ये तो हो गया स्ट्रिंग, ठीक है। हमें क्या करना है, स्ट्रिंग के फंक्शन यूज करने हैं, ठीक है। स्ट्रिंग के फंक्शन को कौन कॉल कर सकता है, स्ट्रिंग नाम के ऑब्जेक्ट ही स्ट्रिंग का फंक्शन को कॉल कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा स्ट्रिंग नाम का जो वेरिएबल है या जो ऑब्जेक्ट है उसका डॉट लिखना होगा। डॉट लिखते ही आपको कंट्रोल स्पेस डॉट लिखो एंड देखो आपको यहाँ पर इतने सारे फंक्शन मिल रहे हैं, ये सारे स्ट्रिंग के हैं, ये कुछ यहाँ से, ठीक है। तो मैं एक एक सारे सबको बताऊँ तो मतलब फिर डेढ़ दो घंटे का बन जाएगा वीडियो। इस पर कुछ को बताऊँगा जो बेसिकली मोस्टली यूज होते हैं, बाकी आप जब भी रिक्वायरमेंट होगा आप कर सकते हो, बहुत ही आसान होता है ये सब। तो मैं एक यूज करता हूँ अपर, ठीक है। अपर कर एक फंक्शन है, ये क्या करेगा, ये करेगा कि नेम नाम का जो स्ट्रिंग है उसमें जो भी स्ट्रिंग दिया गया उसको कैपिटल लेटर में अपर लेटर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैंने लिखा है माई नेम इज आलोक राज, इसमें एम कैपिटल है, ए कैपिटल है एंड आर कैपिटल है, बाकी सारे लेटर स्मॉल में, लेकिन ये फंक्शन क्या करेगा, इसके सारे लेटर को कैपिटल कर देगा। तब आप बोलिएगा कि हमने तो ये जो नेम नाम का स्ट्रिंग था उसको हमने चेंज कर दिया, एंड मैंने बोला था कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, हम तो स्ट्रिंग को चेंज ही नहीं कर सकते। तो देखिए ये इस स्ट्रिंग को चेंज नहीं करेगा, ये नेम नाम का जो स्ट्रिंग है वो तो एज इट इज रहेगा, जैसे लिखा है वैसे ही। ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को चेंज कर नए मतलब जो सारे लेटर को कैपिटल में कर रिटर्न करेगा, ठीक है। एंड उसको हमें क्या करना होगा, किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेना होगा। मैं लिख देता हूँ यू नेम मतलब अपर नेम, उसको मैंने क्या किया एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है। एंड आप इसको प्रिंट कर सकते हो, आप पहले इसको प्रिंट कर लो नेम को, ठीक है, एंड फिर आप इसको प्रिंट कर लो यू नेम को, एंड इसको रन करते हैं। पाइथन का नाम क्या है, केसी 24 है, 24.py, एंटर। देखिए ये था माई नेम इज आलोकराज, इसमें एम कैपिटल, ए कैपिटल, आर कैपिटल, एंड सेकेंड वाला देखिए माई नेम इज आलोकराज, इसमें सारे लेटर कैपिटल है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि नेम नहीं चेंज हुआ है, नेम नाम का जो स्ट्रिंग है वो चेंज नहीं हुआ है, वो एज इट इज जैसे है वैसे ही है, ठीक है। हमने बस उसको चेंज कर एक दूसरे स्ट्रिंग में सेंड कर दिया है, ठीक है। हमने उसके सारे एक एक कैरेक्टर को लिया, उसको चेंज किया, ठीक है, एंड उसको एक दूसरे वेरिएबल में यू नेम नाम का वेरिएबल जो मैंने बनाया उसमें सेंड कर दिया, ये एज इट इज है, ठीक है। अगर आप दोनों का मेमोरी एड्रेस देखना चाहोगे, दोनों अलग अलग है। अगर मैं इसको मेमोरी एड्रेस देखने के लिए आई डी फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, आई डी में नेम पास किया एंड मैंने यहाँ पर प्रिंट किया आई डी ऑफ यू नेम, दोनों अलग अलग, दोनों मेमोरी एड्रेस अलग अलग। देखिए इसका मेमोरी एड्रेस लास्ट में देखो 7344 एंड इसका देखो 7424, ठीक है। आपको ले स्टार्टिंग का सारे सेम आ रहे हो लेकिन लास्ट का देखो, लास्ट का अलग, ठीक है। तो लास्ट का अलग है मतलब टोटल डिजिट अलग है ना, ठीक है। ऐसा मत करना कि लास्ट स्टार्टिंग का तो सेम है ना, ऐसा कॉमेंट मत आना चाहिए, ठीक है। तो दिमाग लगाओ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो।
ये तो हमने एक फंक्शन देखा, अब इसका काम क्या है? देखो मैं सारे फंक्शन का काम तो मैं अभी सबको बताऊँ, जितना अभी याद आएगा मैं बता दूंगा, बाकी आप बस इसका फंक्शन जानो, जैसे आपको रिक्वायरमेंट होगा वैसे आपको हो जाएगा, याद आ जाएगा। इसका काम क्या है कि जैसे मान लीजिए यूजर कोई इनपुट कर रहा है, ठीक है, एंड आपका कंडीशन क्या है कि यूजर जब भी कुछ भी इनपुट करे, मतलब उस फील्ड में, आपको उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करके स्टोर करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप यूजर से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ले रहे हो, एंड आप चाहते हो, आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यूजर का एज ए कैपिटल लेटर में स्टोर करो, ठीक है। तो यूजर कैसे भी लेटर में इनपुट करे, आप उसको ले लो एंड उसको क्या करो, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर लो एंड फिर उसको स्टोर कर लो। चलिए मैं इसको एक कर कर ही दिखा देता हूँ, इसको मैं हटा दूँ या कमेंट कर दूँ, कमेंट कर देता हूँ, कमेंट, इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब आपको पता है यूजर से हमें क्या करना है, इनपुट लेना है, इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, यहाँ पर मैसेज देते हैं इंटर योर नेम, इंटर योर नेम लिया, नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, नेम नाम के वेरिएबल में तो स्टोर कर लिया। अब हमें क्या करना है कि उस जो भी यूजर ने इनपुट किया उसको हमें क्या करना है, पहले हम तो प्रिंट कर लेते हैं कि यूजर ने क्या इनपुट कर दिया, फिर उसको हमें क्या करना, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर कर एक वेरिएबल में स्टोर करना, जिसका नाम मैंने लिया है यू नेम, एंड यूजर ने जो इनपुट किया वो नेम नाम के वेरिएबल में है, तो नेम डॉट अपर, ये क्या करेगा, यूजर जो भी इनपुट किया नाम उसको अपर लेटर में कन्वर्ट करके यू नेम में दे देगा, एंड प्रिंट कर लेते हैं यू नेम। मैं अभी यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, डेटाबेस में कैसे स्टोर करते हैं वो मैं तब बताऊँगा, जब मैं डेटाबेस के बारे में पाइथन में कैसे यूज़ करते हैं, उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, वो सब मैं जब बताऊँगा तब मैं बता दूँगा, ठीक है। अभी बस ऐसे रन करते हैं, ठीक है, रन किया, यहाँ पर मैसेज आ रहा है एंटर योर नेम, मैंने स्मॉल लेटर में डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने डाला वो आ गया, एंड उसको क्या किया मैंने कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर कर प्रिंट कर लिया। मैं अभी यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो प्रिंट में क्या कर रहा हूँ, यू नेम, तो कन्वर्ट करके मैंने यू नेम नाम के वेरिएबल में रख लिया। अगर आपको डेटाबेस में स्टोर करना होगा तो यू नेम पास कर दोगे, वो सेव हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक कैपिटल लेटर अपर का क्या काम है वो आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, सेम एज इट इज, एक लोअर है, लोअर का आप नाम से ही समझ गए होगे कि इसका काम है लोअर में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो मैं अभी कैपिटल में लिखता हूँ सारा कुछ, माई नेम इज अलोकराज, ठीक है, एंड इसको मैं एल, एल नेम मैं स्टोर कर लेता हूँ। एल नेम में क्या करूँगा, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में मैं एक लोअर नाम का फंक्शन है, ये क्या करेगा, ये जो माई नेम इज आलोक राज है इसको लोअर में कन्वर्ट करेगा, ये वाला काम, ये फंक्शन, लोअर जो फंक्शन है वो क्या करेगा, नेम में जो भी है उसको लोअर में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करने के बाद उसको एल नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा, एंड हम सिंपली उसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एल नेम, एंड मैं इसको भी प्रिंट करके दिखाता हूँ कि वो एज इट इज कैपिटल है, कोई मतलब नहीं बनता, बट फिर भी देखो माई नेम इज आलोक राज टोटल कैपिटल में, एंड माई नेम इज आलोक राज टोटल स्मॉल में, तो अपर का काम है टोटल कैपिटल में कन्वर्ट करना, लोअर का काम है टोटल स्मॉल में कन्वर्ट करना। अब एक है टाइटल, टाइटल का क्या काम होता है, जैसे मैंने लिखा नेम, माई नेम इज आलोक राज, ठीक है। टाइटल का काम क्या है कि हर एक लेटर, हर एक वर्ड, जैसे ये माई एक वर्ड हुआ, नेम एक वर्ड हुआ, इज एक वर्ड हुआ, आलोक एक वर्ड हुआ, या राज एक वर्ड हुआ, हर एक वर्ड का पहला लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। टाइटल का क्या काम है, हर एक वर्ड के कैपिटल लेटर को, सॉरी, हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि वो एज ए टाइटल दिखाता है। टाइटल, जब भी हम किसी चीज़ का टाइटल लेते हैं तो क्या करते हैं, या तो हम टोटल कैपिटल में लिख देते हैं या पहला लेटर हर वर्ड का कैपिटल में लिखते हैं। डिजाइनिंग तो आप कर ही सकते हो, मुझे पता है डिजाइनिंग आपको आता है, लेकिन आप डिजाइनिंग करो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर टाइटल का क्या मतलब, मैं इसको सब कुछ को लोअर में लिखता हूँ, समझ में आएगा अच्छे से, मैंने सारा लोअर में लिखा, एंड इसको क्या करेगा वो, मैं कर देता हूँ टी नेम, टी नेम, टी नेम में क्या करेगा टाइटल, टी आई, टाइटल नाम का फंक्शन है, ठीक है, इसको मैं पहले प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट नेम एंड प्रिंट टी नेम, देखिए माई नेम इज आलोक राज, ये सारे स्मॉल में,
एंड माई नेम इज आलोक राज, इसमें क्या किया, एम को कैपिटल कर दिया, नेम को एन को कैपिटल कर दिया, इसके आई को कैपिटल कर दिया, आलोक के ए को कैपिटल एंड राज के आर को कैपिटल कर दिया। तो ये क्या किया, एज ए टाइटल आपको रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हो, जैसे यूजर्स आपको आपने इनपुट लिया, ठीक है, एंड उसको एज ए टाइटल रिप्रेजेंट करना है, या आप टाइटल ले रहे हो, बोल रहे हो कि एंटर द टाइटल ऑफ योर ब्लॉग, ठीक है, यूजर से आप ब्लॉग का टाइटल ले रहे हो, लेकिन यूजर बहुत बेकार है, उसने स्मॉल में एंटर कर दिया, लेकिन ये आप एज ए प्रोग्रामर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको पहले एश्योर कर लो कि वो क्या कैपिटल में है, टाइटल फॉर्म में है, तो आप उसको कन्वर्ट कर लो, एक्सप्लिसिटली आप ही कन्वर्ट कर लो, ठीक है, उसके बाद इसको रिटर्न कर दो, एस्टोर कर लो, जो भी करना है करना। ये तो हो गया टाइटल। अब है इज अपर, इज अपर का क्या काम है, ये चेक करना कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो सारे अपर केस में है या नहीं, अगर अपर केस में है तो वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर अपर केस में नहीं है तो वो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। जैसे मैंने नेम इक्वल टू स्मॉल में लिख दिया, माई नेम 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 इज आलोक राज, मैंने सारे स्मॉल में लिख दिया, ठीक है, एंड मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो अपर में है या नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे मैं यूजर से ले रहा हूँ एंड मैं देखना चाह रहा हूँ कि अपर में है या नहीं, तो इसको मैं किस में डाल दूँ, यू नेम नाम का मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, एंड मैं देखूँगा नेम डॉट इज अपर, ठीक है, ये क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन कि आपका जो स्ट्रिंग है वो सारे कैपिटल में है या नहीं। तो मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ यू नेम, तो आउटपुट क्या आना चाहिए बताइए, मैंने स्ट्रिंग क्या किया, सारा स्मॉल में लिखा है, एंड हम क्या चेक कर रहे हैं कि सारा कैपिटल में है या नहीं, तो फॉल्स आना चाहिए, ऑफकोर्स फॉल्स आना चाहिए, देखते हैं फॉल्स आ रहा है नहीं, देखिए फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको सबको कैपिटल में लिखता हूँ, मैं सबको कैपिटल में लिखने के बजाय मैं इसको यू यू नेम करके वेरिएबल बनाता हूँ, एंड मैं क्या करता हूँ नेम डॉट अपर, ठीक है, सारे स्मॉल है, उसको मैंने क्या किया अपर में कन्वर्ट किया यहाँ पे, एंड उसको यू यू नेम में स्टोर कर दिया, एंड अब मैं चेक कर रहा हूँ कि यू यू नेम इज अपर, यू यू जो नेम है वो अपर है, ऑफ कोर्स अपर है, क्योंकि मैंने जो स्ट्रिंग है उसको अपर फंक्शन की हेल्प से अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, सारे को अपर में कन्वर्ट कर दिया, एंड उसको यू यू नेम में स्टोर कर दिया, एंड हम देख रहे हैं यू यू नेम अपर है, मतलब कैपिटल लेटर सारे हैं, हाँ है, तो वो ट्रू रिटर्न होना चाहिए, देखिए यहाँ पर ट्रू आ गया। अगर आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा नहीं समझ में आया, इसको मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है, एंड इसको मैं टोटली कैपिटल में लिख देता हूँ, इसमें क्या माय नेम इज आलोक, एंड यहाँ पे एंड देखिए अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए ना, ट्रू, ठीक है। इस अपर का काम क्या है, ये चेक करना ये सारा कैपिटल में नहीं, अगर आप एक भी स्मॉल में लिख दिए ना, एक भी स्मॉल में लिख दिए तो क्या है, आउटपुट फॉल्स आएगा, ये ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर आउटपुट आपका आपका फॉल्स आ गया, ठीक है, एक भी लेटर अगर स्मॉल में है तो आउटपुट आपका फॉल्स आएगा, ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि सारे लेटर तो स्मॉल कैपिटल एक ही स्मॉल था, ऐसा एक भी या दो ही नहीं चलता। इसका काम इज लोअर भी है, ठीक है, तो इज लोअर भी वही काम करेगा, ये चेक करेगा कि सारे कैपिटल में हैं या नहीं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको सिंपली कॉपी, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, एंड एल नेम इक्वल टू मैंने चेक करना है इज लोअर, ये लोअर है, अगर लोअर होंगे तो ट्रू आ जाएगा, अगर नहीं होंगे तो फॉल्स आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है, सारे कैपिटल में, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आपको फॉल्स आना चाहिए, एनी फॉल्स आ गया, एंड अगर मैं इसको सबको लोअर में लिखता हूँ माय नेम इज आलोक राज, तो देखिए ये ट्रू आ गया, तो इस अपर इस लोअर का काम समझ में आ गया। एंड अब एक है इस टाइटल नेम इक्वल टू मैंने दिया माय नेम इज आलोक राज, आर को मैंने कैपिटल किया, ई को मैंने कैपिटल किया, लेकिन यहाँ पर है एक फंक्शन यू नेम बताता हूँ मैं, ठीक है, फंक्शन क्या है इस टाइटल,
इज टाइटल, इज टाइटल ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि जो ये स्ट्रिंग है, जिस स्ट्रिंग पे ये इज टाइटल क्या हो रहा है, इस स्ट्रिंग पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ये स्ट्रिंग का नाम दिया, डॉट लगाकर हम लिख रहे हैं फंक्शन का नाम। तो ये देखेगा ये जो इसके पहले आ रहा है ना, वो एक स्ट्रिंग है एंड उस स्ट्रिंग टाइटल में है कि नहीं, टाइटल के फॉर्म में है कि नहीं। टाइटल का फॉर्म क्या कहता है, टाइटल का फॉर्म ये कहता है कि जितने भी वर्ड हैं उन सारे वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो ये चेक करेगा एम कैपिटल है, ठीक है, एन कैपिटल नहीं है, फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, एम कैपिटल है, एन कैपिटल होता नहीं है, इसकी वजह से फॉल्स रिटर्न कर देगा। इज भी कैपिटल नहीं है, इसकी वजह से फॉल्स रिटर्न कर देगा। यहाँ पर भी कैपिटल है, इसकी वजह से नहीं करेगा, इसकी वजह से नहीं करेगा, इन दोनों की वजह से ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, प्रिंट ई नेम, अगर एक भी जगह अगर वो टाइटल का फॉर्म मैच नहीं करता है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर क्या करूँ, एन को कैपिटल कर दूँ, लेकिन इज अभी भी, इज का आई अभी भी स्मॉल ही है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँ अभी भी देखिए फॉल्स ही आ रहा है। अगर मैं इसका भी अगर आई कैपिटल कर दूँ, ये अब टाइटल के फॉर्म में है, क्योंकि टाइटल क्या कहता है, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ये इस टाइटल के लिए ट्रू आएगा, एंड ट्रू रिटर्न रिटर्न कर दिया। ठीक है, आई थिंक अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए कर सकते हैं कि जैसे यूज़र से हमें टाइटल इनपुट लेना है, यूज़र को हमने मैसेज दिया कि एंटर द टाइटल ऑफ दिस ब्लॉग, यूज़र ने कुछ भी टाइटल इनपुट किया, अगर वो टाइटल के फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, उसको फर्दर जो भी उसका प्रोसेस होगा वो करने देंगे। अगर नहीं है तो उसको क्या करेंगे, एक मैसेज दे देंगे कि प्लीज़ एंटर द टाइटल इन द फॉर्म ऑफ टाइटल, और लिख देंगे एवरी फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड इज कैपिटल, जस्ट लाइक दैट। तो उसमें इफ़ का स्टेटमेंट लगा देंगे, इफ़ नेम डॉट इज टाइटल अगर ट्रू होता है तो आपको ये कर दो, अगर नहीं होता है तो आपको एरर मैसेज दे दो। ठीक है, इसी तरह इज़ अपर इज़ लोअर का भी कर सकते हैं, तो ये सब आप यूज कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब सारे फंक्शन होते हैं, एंड जब आपको यूज होगा तब आप ऑटोमेटिक आप इसको यूज़ कर लो। तो इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में हमने देखा चार फंक्शन, देखा अपर लोअर टाइटल, छः देखा है बेसिकली, अपर लोअर टाइटल एंड इज़ अपर इज़ लोअर एंड इज़ टाइटल। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, यानी छः फंक्शन समझ में आए, इसके यूज़ समझ में आए, तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि आप वो वीडियो देख सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।